लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये आपके सोने की गिनी। हाँ, तुम्हारे लिए सोने की गिनी, हमारे लिए सिर्फ चवन्नी। कीप इट टिप फ्रॉम मी। थैंक यू सर। हमको एक शानदार कमरा चाहिए। सॉरी सर, यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं। कोई कमरा खाली नहीं है तो खाली करवाओ, अंदर जो सामान है उसको बाहर करो, कमरा खाली। इज नॉट राइट। एक्सक्यूज मी। हेलो, एडवांस। अरे नहीं साहब, एडवांस की क्या बात है? अगर कोई कमरा खाली नहीं है तो साहब को मेरा स्पेशल कमरा दो। इस होटल का हर मेहमान हमारा खास मेहमान है। ओके सर। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, मिस्टर विक्रम इस होटल का मालिक। सर आपकी तारीफ। सर गुपचुप फ्रॉम साइलेंट जोन। थैंक यू। ओह डियर। सर ये लाल लाइट, ये दिस इज अ वेरी स्पेशल बैग, एक खास बक्सा है। मेरे अलावा अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा या इसके साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो बूम, एक्सप्लोजन, धमाका, एक मील तक सब फ्लैट। अभी इसमें कुछ खराबी हो गया है। आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है, कोई कारीगर है जो हाथ की सफाई से इसको ठीक कर सके? हा? सर उस बेवकूफ जादूगर को बुलाए। हाँ सर, इस शहर में एक बहुत बड़ा कारीगर है लेकिन वो शायद यहाँ ना आए। क्या तुम उसके साथ कुछ आपसे भी सीखी है? नहीं सर, नहीं नहीं, वो थोड़ी सी कुछ गलतफहमी हो गई थी। आए उसको बुलाओ, बोलो सर गुपचुप ने बुलाया है, मुंह मांगे इनाम देगा मैं उसको। है? जी साहब। भाई साहब का सामान ले जाओ। नहीं नहीं, साहब का सामान साहब के साथ जाएगा। राइट। आगे। और चाबी विल के पास। कोई हमारा दिल चुरा सकता है लेकिन चाबी नहीं चुरा सकता। दिल से एक बात याद आया, आपके होटल में कोई दिल बहलाने का ऐसा प्रोग्राम है, मैं मतलब कोई नाचने गाने का प्रोग्राम? अरे साहब बिल्कुल है, आप रात के खाने पर तशरीफ तो लाइए, आपको ऐसी चीज दिखाएंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। गुपचुप आप आएंगे ना? Why not? अगर इसका माल अपने हाथ आ जाए तो कमाल हो जाए। देखिए आप लोग नहीं मैंने आपको चुराया है। ये तो वही लड़की है जिसने एयरपोर्ट पर मेरा पासपोर्ट मारा था। हाँ लगता है कि अब अपना नसीब बदलने वाला है। झूठ मत बोलो, सीधी तरह से मेरा बटुआ वापस कर दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने आपका बटुआ देखा तक नहीं। आप इस सीधी साधी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं? अजी साहब ये एक नंबर की जेब कतरी है, इसने मेरा बटुआ मारा है। देखिए ना, इसने इनका पर्स चुराया है। नहीं नहीं साहब, मैंने किसी का बटुआ नहीं चुराया साहब, मैंने तो इनका बटुआ देखा तक नहीं साहब। और ये लोग मुझको धमकी दे रहे हैं कि ये लोग पुलिस को बुलाएंगे। मैंने इनका बटुआ नहीं चुराया साहब। अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो आप लोग मेरी तलाशी क्यों नहीं ले लेते? देखो देखो पता। हाँ ये लिया इसी ने है, मगर इसके पास तो पर्स नहीं है। नहीं। आइंदा किसी शरीफ लड़की पर इल्जाम मत लगाइएगा। जाइए। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। चलो आओ मेरे साथ, ये लो अपना बटुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, लेकिन माफ करना, मैं ये काम अपनी खुशी से नहीं करती हूँ। भूल जाओ उन बातों, मैं समझ सकता हूं कि यह काम तुम जरूर किसी मजबूरी के तहत करती होगी। तुम्हारी तरह मेरी बहन भी मजबूर है, वो एक आदमी से प्यार करती थी और वो आदमी मेरी बहन के लव लेटर्स और फोटोग्राफ्स के जरिए उसे ब्लैकमेल करता, और वो कमीना आदमी उन लव लेटर्स और फोटोग्राफ्स को एक बैग में रखता है और उसकी चाबी हमेशा अपने सीने से लगाए रहता है। अगर किसी तरीके से मुझे वो चाबियां मिल जाए। अरे सेठ जी आप हुक्म करो, ताले की चाबी तो क्या, उसका दिल उड़ा लूंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, मगर वो मिलेगा कहाँ? आज शाम के शो के लिए मैंने उसे दावत दी है, तुम किसी भी तरीके से उसके करीब पहुंचकर वो चाबियां उसे उड़ा देना।
नहीं दिया। सेठ जी, आज रात को होटल में इस लड़की के बजाय मैं नाचूंगी। हैंड्स अप पुलिस। सर गुप्तप, हम तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट लाए हैं। होल्ड इट। कमिंग। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई। अरे मेरी हथेली खोल दो। सर गुपचुप। अरे भाई बम फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। सर गुपचुप। अरे भाई रुक जाओ। जाओ और जाकर देखो कि अब तक श्याम जादूगर क्यों नहीं आया। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि बेरुपया बनकर मैं श्याम जादूगर की बेगुनाही का सबूत हासिल कर सकूं। देखो, तुम्हारे कहने से हमने तुम्हारा साथ तो दिया है, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लेना। इंस्पेक्टर साहब, अगर कानून को अपने हाथों में लेना होता तो एक ही झापड़ में सारे सबूत हासिल कर लिए होते। सुनो, अपना ख्याल रखना। अरे भैया, मैंने जो तुम्हें शाम भैया की एक्टिंग और बोलचाल का ढंग सिखाया था वो बराबर याद है ना? हाँ छोटू, याद है। बस तू देखता जा, सेठ विक्रम भी क्या सोचेगा कि उसे किस एक्टर से पाला पड़ा है। अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, हर ताले की चाबी लाए रे। श्याम भाई। कौन है? अरे सेठ जी, आप यहाँ? श्याम भाई, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे हमें तो सर गुपचुप ने यहाँ बुलाया था उनका ताला खोलने के लिए। उस कमीने की बात मत कीजिए, वो कम्बा जबरदस्ती लड़की को भगा कर ले गया और मुझे हथकड़ी लगा गया। अच्छा, आखिर आपको हथकड़ी लगी गई? नहीं भैया, मैं तो आपके साय से भी दूर भागना चाहता हूँ। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अरे क्या बात है भाई, अरे अरे अबे कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे लेकर जा रहे हो भैया? देखो 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 देखो, सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी के पास मत ले जाना भैया। देखो ए, ए, अरे 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 बक्सा गिर गया, बक्सा गिर गया। कुर्सी 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 पर रख दो। हाँ रख दो रख दो। देखो देखो, हाथ नहीं लगाना। छोड़ दो साहब को। श्याम भाई। हाँ भाई। प्लीज ये लॉक खोल दो। हाँ हाँ, एक बार खोला था फंस गया था, दोबारा नहीं खोलूंगा। श्याम भाई। हाँ भाई। पिछली बातों को भूल जाइए ना। भूल गया, लेकिन हाथ से नहीं, कुर्सी से। अरे भाई क्या गजब कर रहे हैं? क्यों? बक्से को नहीं, हथकड़ी को खोलिए। अगर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो बम के धमाके से पूरा होटल उड़ जाएगा। बम धमाका? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये तो जान जोखिम का काम है भाई। श्याम भाई। हाँ भाई। आपके लिए कोई जोखिम का काम नहीं है, अरे इसे तो आप चुटकी बजाकर खोल सकते हैं। जरा वहां ले जाना वापिस। खोल तो सकता हूं। 1 2 9 नहीं। श्याम भाई। हाँ भाई। 11 भी बोल दो ना, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। साहब के पांव लाओ। अरे नीचे रखो, नीचे रखो। पांव नहीं, पेन पकड़िए और लिखिए। ले ले ले, वही नीचे नीचे, घुटने पे बैठे रहिए। हाँ, लिखिए कि श्याम जादूगर बेगुनाह है और आपने धोखे से उससे तिजोरी खुलवाई। कुछ लिखकर मत देना सर, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। अबे, अगर इसने 11 नहीं बोला तो मेरे 12 बच जाएंगे। एक बार मेरी हथकड़ी खुल जाने दे, फिर इसी कागज की बत्ती बनाकर मैं इसके हलक के नीचे उतार दूंगा। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं श्याम भाई, कुछ नहीं। तो फिर लिखिए। हैंडराइटिंग बड़ी पता है। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए श्याम भाई, अब तो खोल दीजिए ना, प्लीज खोल दीजिए ना। बस मिल गया मुझे सबूत उस मां के बेटे की बेगुनाही का जिसकी ममता ने मुझे यहां रोक रखा था। पकड़ो ऐसे। यह श्याम जादूगर का हाथ नहीं, तूफान का हथौड़ा है।
लीजिए इंस्पेक्टर साहब, श्याम जादूगर की बेगुनाही का सबूत। तुम श्याम जादूगर नहीं हो? शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह सजा पाने से बच गया। ले चलो इसे और उन चारों को भी ले आओ। तुम जो भी हो, कमाल की चीज हो तूफान। तुमने तो मुझे तूफान मान लिया, लेकिन उस मां से कैसे कहूं कि मैं उसका बेटा श्याम नहीं। क्या ये क्या कह रहा है तू बेटे? हां मां जी, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपका बेटा श्याम नहीं हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, कहते कि तू झूठ बोल रहा है, मुझसे मजाक कर रहा है। जरूर तुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो तू ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। नहीं मां जी, मैं आपको और धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं आपको श्याम नहीं हूं मां जी। नहीं नहीं, सुना आपने, डॉक्टर भी क्या कह रहा है? इसका जन्म आपके हाथों हुआ है, आप इसे समझाइए, समझाइए ना इसे। देवयानी बहन, ये ठीक ही कह रहा है। सच तो यह है कि उस वक्त आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। यह सदमा आपसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आपके पति के दोस्त ने अपने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा आपकी गोद में डाल दिया था। असल में ये जुड़वा बच्चे इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद के ही हैं। मेरा भाई, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी गोद खाली। ऐसे मत कहिए मां जी, आपने एक बेटा नहीं खोया, दो बेटे पाए हैं। वैसे तुम हमारी मां हो। सच? हां मां जी। बेटा, श्याम अभी तक गांव से नहीं लौटा, ना जाने किस हाल में होगा। वो तो बहुत सीधा और भोला है। इसीलिए तो गांव जाना चाहता हूं मां जी। न जाने मेरी गैर हाजिरी में शैतान सिंह ने क्या दहशत फैला रखी है। दादाजी! कहां ले जा रहे हो मुन्ने को? छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अगर इस बच्चे की जान प्यारी है तो तूफान से कहना कि कल सुबह रेलवे यार्ड में हत्था आ जाए, नहीं तो इस बच्चे की जान ले लूंगा। चल। बगैर तूफान के तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं आ गया हूं। खाली हाथ बच्चे को छोड़ दे। बचपने की बातें करते हो, ना बच्चा जाएगा
और ना तुम। लेकिन तुमने तो कहा था कि कहाँ है वो जादू जिससे हवा चलती थी, धूल उड़ती थी, आसमान का रंग बदलता था। लगता है मौत के डर से वो भी तुझे छोड़ के चले गए। बांध दे जंजीरों से और लगा दो ताला। आज से मैं जिम्मेदारी से मुक्त हुआ, अब आप ये कुर्सी संभालिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ओह मिस्टर विश्वनाथ, यू कोऑपरेटेड मी वेरी नाइसली। हेलो डीसीपी शर्मा। शर्मा साहब आपका फोन। यस प्लीज। सुना है चोरी का माल पकड़वाने पर इनाम मिलता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। शैतान से 20 साल पहले का चुराया हुआ सोना लेकर मालगाड़ी से बीकानेर रेलवे लाइन से उधमपुर हवाई अड्डे जा रहा है। और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया सरदार। काम तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं आज तुमसे इस काम का मकसद पूछूं, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। आज तुम ऐसी भी नहीं सिर्फ शर्मा हो। शर्मा, तुम्हारे जिस्म से पुलिस की वर्दी नहीं, सांप की कचली उठी है। बेटे मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मेरा पैर छोड़ दे। बेटे मेरा पैर छोड़ दे। याद है बचपन में मैं तेरे इसी पाँव पे पड़ा था, गिड़गिड़ाया था, इंसाफ की भीख मांगी थी, बदले में तूने मुझे ठोकर मारकर फेंक दिया था। याद है? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। इस स्लेट पे मिटे हुए लफ्जों को लिख। आज इसे मिटाने के लिए कोई बेरहम पानी की बूंदे नहीं आएंगी, क्योंकि आज तेरे सर पे तपता सूरज है और सामने तेज रफ्तार से आती हुई तेरी मौत। चले लिख।
साहब, सामने लाइन पर कोई आदमी है। गाड़ी रोकूं? नहीं, चल साले पे। शर्मा ठाकुर शैतान सिंह, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तुम्हारे बाप का कातिल शैतान सिंह है। कहाँ है वो? इस ट्रेन से यहां तक कैसे पहुंच गया? ले जा गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तेरा भाई था जिसे मैं रेल के डब्बे में बंद करके आया। लगता है सारे खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी है। जिसे पवन पुत्र हनुमान का वरदान हो, हाथ में उसका दिया हुआ धनुष बाण हो, नाम तूफान हो और सामने तुझ जैसा शैतान हो, तो सोच उसका अंजाम क्या हो। हाथ में हथियार लेकर निहत्थे से अंजाम पूछते हो? सारा सोना मेरे बाप की जान और गई हुई इज्जत वापस ला सकता है? जो कुछ हुआ उसे भूल जा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। सारी जिंदगी मेरे सीने में एक ही बात सुलगती रही कि मेरे बाप का कातिल कौन है, और तू कहता है कि मैं उसे भूल जाऊं। देख, मैं कहता हूं मुझे ऊपर खींच ले, वरना मैं तो मरूंगा, तुझे साथ में लेके मरूंगा। नहीं, आज तो तू अकेला ही मरेगा। नहीं, 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 नहीं
मैं अपने पाप की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन पानी से निकल कर ये जादू मैं करके दिखाऊंगा। वन टू नाइन इलेवन। आईजीपी साहब, यह वो सोना है जिसकी चोरी का झूठा इल्जाम हमारे पिताजी इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पर लगाया गया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका नाम इज्जत से लिखा जाएगा।